फिक इंटरेक्शन दोसिस फर्स्ट देंट डेफिनेशन ऑफ सेम्बियोसिस फैकल्टिटिव एंड ओब्लिगेट सेम्बियोसिस दैन एक्टोसेंबसिस एंड द एंडोसमसिस सो फर्स्ट देंबियोसिस स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूंगा पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सेम्बियोसिस को और म्यूचुअलिजम को मिक्सअप कर देते हैं एक्चुअली अगर हम इसको हायरकी वाइज देखें तो जो मेन ग्रुप है दे आर द सेम्बियोसिस सिम्बियोसिस एक ऐसा फिनोमिना है या एक ऐसा फिनिना है या एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें टू एनिमल्स लिव टूगेदर अब चाहे वो एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं चाहे वो एक दूसरे का नुकसान करते हैं या वन इज़ गेटिंग बेनिफिट अदर इज़ गेटिंग नो बेनिफिट नो लॉस तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ऑल दिस इंट्रैक्शन ये कोलेक्टिवली क्या करेंगे सिम्बियोसिस ये सिम्बियोसिस की फर्दर सब टाइप्स हैं सिम्बियोसिस खुद एक जो है वो एक मेजर इंट्रैक्शन है और सिम्बियोसिस के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट जो है आ जाएंगे तो सिम्बियोसिस इज़ द फिनिना इन विच बोथ आर टू एनिमल्स दे लिव फॉर लॉन्ग टाइम टुगेदर यानी कि ऐसा फिनोमिना जिसमें डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम एक लंबे अरसे तक जो है दोनों क्या करते हैं फिर इकट्ठे रहते हैं अच्छा यहाँ अगर हम इसमें देखते हैं सो व्हेन टू एनिमल्स आर लिविंग टुगेदर दोनों इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं तो यूजुअली वन एनिमल लिवस ऑन दिनिमल एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल के ऊपर रहता है या समटाइम जो है दोनों कंबाइन जो है एसोसिएशन में रहते हैं सेब इन सेम्बियोसिस एनिमल्स बोथ ऑफ दैम दी गेटिंग बेनिफिट हो सकता है कि दोनों क्या करें, कर रहे हैं उसे बेनिफिट हासिल कर रहे हूँ इट इज पॉसिबल वन इज गेटिंग बेनिफिट एंड अदर गेटिंग नो बेनिफिट नो हार्म एक बेनिफिट हाँ, ले रहा है दूसरे को ना फायदा होगा नो ना नुकसान होगा और थर्ड टाइप जो है सेबिओसिस की इट इज़ अ टाइप इन विच वन एनिमल गेटिंग बेनिफिट एंड अदर इज़ बींग हार्म दूसरा जो उसको क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है जैसा से हमारे पास म्यूचुअलिज्म कोमेन्शिज्म एंड पैरासिटिज्म तो म्यूचुअलिज्म बेसिकली सेम्बियोसिस की एक टाइप है जिसमें दोनों एनिमल्स बेनिफिट लेते हैं ऑर्गेजम कोमेनशलिज्म में एक बेनिफिट लेता है एक को कुछ ना नुकसान ना फायदा जबकि पैरासीटिज्म के अंदर एक बेनिफिट लेता है एक जो है वो लॉस में जाता है तो सेंबियोसिस एक और जो इम्पोर्टेंट थिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है यानी अगर हम कहें जी प्रिडेशन सेम्बियोसिस हो सकती है या नहीं हो सकती है तो इसका बड़ा सिंपल आंसर नो है वाई इसकी वजह यह है कि प्रिडेशन के अंदर एक शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन है प्रीडेटर जैसे प्रे के पास आएगा उसको पकड़ेगा चीट फाट कर ख़त्म कर देगा तो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन नहीं बनेगी दो एनिमल्स के दरमियान या दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान अगर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन नहीं है तो फिर हम इसको सिम्बियोसिस की कैटेगरी में नहीं करेंगे या अगर यानी जैसे प्रीडेशन है प्रीडेशन लॉन्ग टर्म एसोसिएशन नहीं है एनिमल्स के दरमियान तो एनि एनिमल्स इंटरजेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम इन प्रीडेशन जबकि सेंबियोसिस के अंदर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन का होना जरूरी है सेम्बियोसिस मे बी फैकल्टीट इफ्ट मे बी ओब्लीगेट अच्छा फैकल्टीट व ओब्लीगेट का मतलब जहाँ भी आएगा उसका फिर दो चीज़ों में आए ओब्लीगेट का मतलब ये होता है कि जहाँ उसके बगैर तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता यानी अगर हमें कहता है कि एक ओब्लीगेट सेंबियोसिस है इट सिंपली मीन्स कि एक स्पेसिमन जो है वो सम्बियोसिस के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकता है जैसे जैसमोस में दो एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं अगर एक एनिमल इस कंबिनेशन से अलग कर दिया जाए तो वो अकेला लाइफ नहीं अगर गुजार सकता तो इट मीनस ये ओब्लीगेट है ठीक है और इसको हम क्या कहें इट इज अ अब्लीगेट जबकि अगर एक एनिमल अगर हम उसको सेम्बेिस की या कंबिनेशन से अलग कर दें एंड इट हैव एबिलिटी टू सरवाइव देन वी से इट इज़ अ फैकल्टेटिव तो फैकल्टेटिव और मतलब ये होता है या जो साइंटिफिक टर्म में हम यूज़ करते हैं वो ये है कि कंबाइन में भी सर्वाइव करेगा और अलग से भी क्या करेगा वो दोनों कंडीशन में सर्वाइव करने वाले को फैकल्टेटिव कहते हैं जिससे ओब्लीगेट वो होता है जो कि उस चीज़ के बगैर सर्वाइव ही ना कर सके अब एग्जाम्पल्स हमारे पास है लाइकन्स की हैं इन लाइकन्स अगर हम देखें तो जो फंगस लाइकन इज अ कम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड द एल जी लाइकन जो एल जी और फंगस का एक कम्बिनेशन है और लाइकन्स होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ग्रो करने की साहियत रखते हैं अगर हम लाइकन के अंदर मौजूद फंगस को अलग कर दें तो दिस फंगस विल नॉट बी एबल टू तो सरवाइव ये फंगस सर्वाइव नहीं कर सकेगी तो हम इसका मतलब ये फंगस लाइकन के अंदर जो मौजूद फंगस है दैट इज द दिगेट संबेट जबकि लाइकन के अंदर जो पाई जाने वाली फंजाई है अगर हम उसको अलग कर दें दैट फंजाई हैव एबल टू सर्वाइव इन द लोनलीनेस वो अकेली क्या करती है अलग से सेपरेशन में सर्वाइव कर सकती है तो आइल फिर क्या होगी इट इज द फैकल्टीटिव सम्बेट कहलाएगी एक्टोसेंब एक्टोसम्बियोसिस एक्टो का मीन्स कैसा रिलेशनशिप है जिसमें वन एनिमल लिव ऑन द सर्फेस ऑफ अदर एनिमल अगर एक एनिमल दूसरी से एक्टो का मतलब क्या था आउटर सॉ सर्फेस आउटर साइड सो इफ द वन एनिमल आर वन ऑर्गेनिजम इज लिविंग ऑन द सर्फेस आर ऑन द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द अदर एनिमल सो वी से इट इज द एक्टोसेंबसिस तो आम तो एक्टोसम्बियोसिस की एग्जाम्पल हमारे पास टू सेम्पेयस हैं दो सेम्पय जैसे पैरासाइट्स हैं लाइस हैं जुएं जो होती हैं वो स्किन के ऊपर होती हैं इट मीन्स अब लाइस का और जो होस्ट का रिलेशनशिप होगा ठीक है इसको हम क्या कहेंगे इट इज़ द एक्ट्रोसम्बियोसिस है तो लाइस के अलावा हमारे पास जो डिफरेंट बार्निकल्स हैं जो फिश के साथ इंटरेक्ट करेंगे क्लीनर फिश क्लीनर फिश एक ख़ास किस्म की फिश होती है जो बड़ी मछलियों को साफ करती है उसके ऊपर से अगर कोई स्माल कोई एक्ट्रोपैरासाइट आ गया तो उसको खाती रहती है तो अब बड़ी फिश का और क्लीनर फिश का जो इंट्रैक्शन है वो भी क्या है एक्टो एक्टोसम्बियोसिस कैटेगरी एक एक में आएगा एंडोसम्बियोसिस दिस इज द टाइप ऑफ एंडोसम्बियोसिस इन विच वन एनिमल लिव विद इन द टिश्यूज ऑफ अदर एनिमल्स एक एनिमल दूसरे एनिमल्स के टिश्यूज के अंदर रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे इट इज द एंडोसम्बियोसिस जैसे प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड टिश्यूज के अंदर रहता है तो फिर प्लाज्मोडियम का और ह्यूमन का जो इंट्रेक्शन है वो क्या है ये ये एंडोसम्बियोसिस है जिसके अंदर क्या होता है कि वो इट लिव विद इन द बॉडी आवर बॉडी इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है रूट्स के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं रूट नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो इट मीन रूट नोड्यूल और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का जो इंट्रेक्शन है इट इज अग्जाम्पल ऑफ एंडोसोम्बेसिस